माइकर ऊपर रखा किचन से लेके कैमरा किचन से लेके कीबोर्ड तक कौन कौन से गाने पसंद करते हैं जबकि सारी दुनिया उनकी दीवानी मेरा फेवरेट है तेरी शर्ट दा बटन मेरा फेवरेट मीत ब्रदर्स का जो गाना है वो है तेरी शर्ट दा मैटा बटन सोनिए मुझे रोमांटिक गाना बहुत गाने बहुत पसंद है इसलिए ये मेरा फेवरेट है एंड ऑब्वियसली फॉलोड बाय बेबी डॉल चिटियां कलाइयां ओएमजी का एक बहुत ही सूफी गाना था वो भी मुझे बहुत पसंद है कैसे इंसान है वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड है और वो जितने अच्छे इंसान हैं वो उनके गानों में नज़र आता है दोनों का दिल बहुत ही अच्छा है और वो उनके गानों में झलकता है जो प्यार सत्कार और जो इज्जत उन्होंने पाई है इस इंडस्ट्री में वो आई थिंक उनके गानों में भी कहीं ना कहीं नज़र आती है क्योंकि उतनी प्योरली वो अपने गाने बनाते हैं बेबी स्कूल गई है उसका कल स्कूल है तो उसे सोना होता है और हमारी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैमिली है इवन दो एक फिल्म इंडस्ट्री फैमिली है बट हमारे घर के जो रूल्स हैं वो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली जैसे हैं हम लोग रूल्स पर चलते हैं और उसी वजह से हम बच्चों को थोड़ा सा ये साइड का एक्सपोजर कम देते हैं उन्हें पता है कि उसके मेरी बेटी को पता है कि उसके पापा चाचू ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं पर वो स्कूल में जाके किसी को नहीं बताती कि बेबी डॉल मेरे पापा का गाना है चिटियां कलाइयां मेरे चाचू का गाना है सो दैट्स द सिंपलिसिटी ऑफ आवर किड्स और वो सो रही है और उसे प्लीज़ कोई बताइएगा मत कि आज रात को पार्टी थी वरना मुझे कल बहुत डांट पड़ेगी थैंक यू सो मच मुझे 10-12 साल हो गए हैं और इनका जो पहला गाना आया था जो उन्होंने खुद गाया था मुझे वो तक याद है तो मैं इनको तब से कनेक्टेड हूँ इनसे मैंने इनको एकदम शुरुआत से जब इन्होंने पहली बार सोचा होगा कि हम कंपोज़र बने मैं तब से इन्हें जानता हूँ उस स्टेट से आई थिंक उस स्टेट से भी पहले जब सोचा भी नहीं होगा तब से जानता हूँ सिंगर्स थे तब सिर्फ और एक्टर्स होते ही ऑफकोर्स तो मुझे आई कैन टेल यू एक अलग सी फीलिंग है कहीं और जाओ तो किसी की तारीफ करो तो लगता है कि हाँ आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट बट इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट इट्स अ वेरी इंस्पायरिंग थिंग फॉर ऑल द पीपल हु आर कमिंग अप एज कंपोजर्स एंड इवन बडिंग सिंगर्स टू सी दैट दीज टू पीपल विद अटमोस्ट ह्यूमिलिटी इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमको बहुत पता है बहुत आता है मैंने जब भी इनके साथ काम किया है एंड व्हेनेवर आई हैव सीन देम वर्किंग विद अदर पीपल दे आर ऑलवेज सो डाउन टू अर्थ दे आर नॉट ऑटोक्रेटिक इन द हेड इनके दिमाग चढ़ा हुआ नहीं है इसीलिए इनके साथ इनसे जो धुनें बनती हैं वो
एकदम आपके दिलों को कनेक्ट होती हैं. अगर ये खुद कॉम्प्लिकेटेड होते तो ये दिलें कॉम्प्लिकेटेड बनाते, इनका म्यूज़िक कॉम्प्लिकेटेड निकलता जो आपको कनेक्ट नहीं करता. सो और इतने कम समय में इन्होंने वर्सेटाइल काम किया है. छिल गए नहीं आपको वो जो था एक और कौन सा था नहीं वो जो पिता का है नाम था मेरे निशान, जो मेरे निशान फादर संग सॉन्ग वो से लेकर बेबी डॉल से लेकर चिटिया कलाइयाँ तो शर्ट द बटन. सो एक जॉनर नहीं कई इनके जॉनर्स हैं. आई एम रियली हैप्पी अबाउट बोथ ऑफ यू. दिस इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग फॉर ऑल ऑफ यू एंड द पीपल हु वांट टू बिकम सिंगर्स एंड कंपोजर्स. मेनी मोर एक्चुअली मैं नहीं चाहता कुछ भी बोलने को बिकॉज आज का फोकस ये दोनों भाई हैं हमारे. मैं चाहता हूँ कि फोकस यहाँ से हटे नहीं बट आप ये दिखाएंगे और वो नहीं दिखाएंगे जो इसलिए मैं यहाँ पर जी. इनके साथ एक गाना था जो मैंने गाया था वो रहा नहीं, वो कुछ कई इसमें कॉम्प्लिकेटेड कारण थे. बट इन द फ्यूचर आई रादर से दैट मोस्ट ऑफ माय सॉन्ग शुड बी विद देम. शर्ट द बटन आपने गाया दो गाने गाए जी हाँ. आज तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनी सोनी है, तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनी बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया मर गए यार दीवाने ओ तेरे लवर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने. क्या बात है. थैंक यू सो मच फॉर योर लव सो लव यू प्लीज. अरे Best guy. Congratulations. Sir, how are you? Thank you so much, sir. Thank you so much. So glad. So we are so touched that you are here. My pleasure. Very, very happy that us. बहुत बोलने के बाद आज आर बाल्की सर आ गए हमारे साथ. वी डूइंग की एंड का विद हिम एंड हमसे सब पूछते हैं एवरीबडी आसस कि ये आर बाल्की मीत ब्रोज ये बड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है. बट वी हैव टू शेयर विद यू दैट आई थिंक ही इज द मोस्ट हिप एंड कूल पर्सन वी हैव मेट. जो हमारा म्यूजिक द वे ही अंडरस्टूड इट उन्होंने जैसे उसको अप्रूव किया है. वी वर थिंकिंग मे बी विल हैव टू गो टू सम अदर स्कूल टू मेक यू नो द काइंड ऑफ म्यूजिक ही वांट्स बट ही ब्लेंडेड वेरी वेल. ही ब्लेंडेड सो वेल एंड जो गाने उन्होंने चूज किए हैं. नो आई वेंट बैक टू स्कूल विद दीस गाइस. टेरिफिक. Awesome guys, congratulations. Thank you so much. I don't think these people need awards to kind of prove their talent. They are phenomenally talented, but they fully deserved all the awards they're getting. They should get a lot more. We just hope Kian ka ke liye bhi. Thug sir, my film. I've just finished Kian Kas. I'm not doing any other film. No. Not at all. I don't know where this is coming from. I have no idea. No, I just love good films. I have no wish to remake them because I think they're already made, and I think no film should be remade upon me. Talwar and Angry Indian Goddesses. Kian Ka. I'm here only.
Yes. Okay, Sukhi ji, Meet Brothers, they are celebrating their success. Yes. So what do you want to say about them? They deserve for this. मेहनत रंग लाती है, जो मेहनत करेगा डेफिनेटली दे विल गेट रिजल्ट आउट ऑफ इट. एंड आई हैव सीन देयर पैशन. कोई भी काम जो है बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, फुल इंटरेस्ट के साथ. 2400 घंटे मैंने इनको देखा है, पूरा कनेक्ट रहते हैं अपने गाने के साथ. दिस इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव सीन इन देम. और ये वही कर सकता है जो पैशनेट हो. इनके सारे फेवरेट हैं, इनके सारे हिट हैं, इनको 6-7 अवार्ड एक साथ मिलने चाहिए, है ना. आई थिंक सो. नॉमिनेशन में अगर 5 गाने तो 4 मेरे ख्याल से इन्हीं के डिजर्व करते हैं. इनके साथ हमने वो गाना किया था दिलवाले, क्या सुपर कूल के, बहुत ज़बरदस्त गाना गाया था पाजी ने हमारे लिए, बड़ा मज़ा आया था. बट दे आर हार्ड वर्क. फॉर देम वी नीड अ ह्यूज बैंड, माइक सिस्टम, ऑडियंस, देर हैज टू बी एंकर, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल. बट आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक एंड दे डिजर्व. कोई भी पैशनेट पर्सन है उसको मेहनत का चस्का होता है. एंड दे डू and they are known as brother and they are my brother. Yeah, your younger yeah. brothers. Thank you. Okay, thank you. Thank you very much. Hey Shakti, hey Rukana yaar, Rukana. वेरी हैप्पी. मीत ब्रदर्स मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और दोनों भाई बहुत ज़्यादा स्वीट हैं. उनके घर में भी जब भी कोई फंक्शन होता है आई मेक श्योर कि मैं ज़रूर जाऊँ, क्योंकि इतना खुशी का मौका है तो आई हैव टू कम ऑफ कोर्स. और आई एम सो प्राउड ऑफ देम. इतने ज़्यादा प्यारे सॉन्ग्स वो कर रहे हैं, इंडस्ट्री को दे रहे हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. मुझे बहुत बहुत खुशी है कि इतने अच्छे अच्छे अवार्ड्स उन्हें मिल रहे हैं. और अभी तो ये शुरुआत है. आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये तो एक्चुअली शुरुआत है और उन्हें पूरी इंडस्ट्री पे वो ऑलरेडी छा चुके हैं और बहुत छा जाएंगे और बहुत सारे अवार्ड्स लाने हैं. सुनो जी, आपके कुछ सेल्फ इंटरव्यूज
एक्टिव रहती हूँ एक्चुअली, बाय नेचर भी मैं बहुत ज़्यादा कहते हैं इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम, तो लेकिन अगर अभी आपने जैसे कहा है तो आई विल ट्राई टू बी मोर एक्टिव नाउ ऑनवर्ड्स, आई विल ट्राई. वो तो वो सब डिपेंड करता है कि कौन सा गाना किसको पसंद आ जाए, कौन सा गाना किसे पसंद आए और किस गाने के लिए अवार्ड मिलता है, आई रियली डोंट नो. लेकिन फिलहाल तो हम यहाँ पर मीत ब्रदर्स के अवार्ड्स को सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी. मैं चाहती हूँ कि ये जो तांता लगा है ये लगा रहे और बहुत सारे अवार्ड्स इन्हें मिलते रहे, क्योंकि अभी मस्ती का माहौल है. तो मैं अपना लंदन टुमकदा गा लेती हूँ. टुमकदा टुमकदा लंदन टुमकदा 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 तू कैंटी बिग वैन दी पूरा लंदन टुमकदा ओ जदू नचे पैन दी पूरा लंदन टुमकदा. ये भाई इधर सारे गिणगड़ या चितेरी में तो जगर रतन आओ यार आओ भैया आओ यार भाजी आओ सर आओ नहीं नहीं कम आओ कम आओ यार अपनी पाजी तो इसको अवार्ड्स मिले इट्स अ वेरी सक्सेसफुल ईयर फॉर देम. बिल्कुल जी मुझे बहुत खुशी है, दोनों मेरे भाई तरक्की कर रहे हैं एंड हमेशा जो भी आदमी मेहनत करता है उसने आगे आने जाना है एंड बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं और एक तो मेरी झोली में भी सुपरहिट गाना पड़ा है आज, पार्टी तो बनती है जो कि सुपरहिट गाना उसी वजह से तो पार्टी हो रही है बाजी, उसी वजह से उसके लाइन भी आज पार्टी की तो बनती है यही लाइन है. और बता दूं पाजी ने हमें सबसे पहले हम लोग जब ए भाई तूने पप्पी क्यूली के गाने के बाद बोला कि तुम दोनों बड़े मेहनती हो म्यूजिक बनाओ, गाने के अलावा इन्होंने हमें सजेशन दिया था और तब हमने इनकी बात पर गौर करके शुरू करा और बहुत सारे गाने अच्छे हैं और बहुत सारे फिल्मों में गाने आ रहे हैं एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे दोनों भाइयों को कि ऐसी रॉक करते रहें. एंड नाउ वी हैव सुखवीर तारे गिन के राज तेरी मैं था जगह रहता हूँ, जो कुमार जी हैं जो आजकल के नंबर वन राइटर हैं वो पहला गाना इनके लिए उन्होंने लिखा था वो था हो विश माय ब्रदर्स ऑल द बेस्ट यार. थैंक यू सो मच ब्रदर, सो ग्लैड टू हैव यू, कांग्रेचुलेशंस. यार सेलिब्रेशन का ट्रेंड ही मैंने शुरू करा है, मेरे पास जितने भी स्टार्स हैं उन्होंने पार्टी शुरू करी है, उन्होंने बर्थडे शुरू करे हैं, यू नो किंग मेगा सिंह स्टार्टेड द ट्रेंड पंजाबी ऑलवेज रॉक. से तो मिल लिया मैं तुमसे नहीं मिला. My God. Okay.
बहुत